हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं। कैसा हो जब आपको ये पता लगे कि आप जो ये जीवन जी रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक मिथ्या है। मतलब आप जो ये लाइफ जी रहे हैं ना, दिस लाइफ इज समथिंग जो एकदम अनभिज्ञ है, मतलब एक स्ट्रेंजर की तरह है। और जो ये पूरा ब्रह्मांड है ना, आपसे कुछ तो है जो छुपा रहा है। आपको कैसा लगेगा ऐसे जानने के बाद? हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो मेरा नाम है प्रियंका और आप मुझे सुन रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है 111 टैलेंट। और अगर आप इस फैमिली के ऑलरेडी मेम्बर हैं, ऑलरेडी इस परिवार का एक प्यारा सा क्यूट सा सदस्य हैं, तो मैं तहे दिल से आपका और वेलकम करती हूँ। तो आज की जो टैरो प्रेडिक्शन होने वाली है, आज की जो रीडिंग होने वाली है, उसका टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। दिस टॉपिक इज़ एक्चुअली गाइडेड, तो मैंने इसके अंदर कोई चाट मसाला नहीं डाला है, ठीक है। और सिंपल सी बात है दैट आई गॉट टू रियलाइज कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और मुझे नहीं पता ये मुझे क्यों आया है इंट्यूशन, ठीक है। सो दिस रीडिंग इज़ टोटली इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग, दिस रीडिंग इज़ गाइडेड। ये वीडियो जिसको भी मिलती है, जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है। सो माय गोल इज़ टू प्रिडिक्ट दिस टॉपिक, इज़ टू यू नो स्प्रेड अवेयरनेस। अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ मैं रिलेटेड टू टुडेज वीडियो, क्योंकि ब्रह्मांड है जो आपसे कुछ छुपा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स इज़ एक्चुअली हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, और वो क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपके जीवन से ताल्लुक रखता है, आपकी लाइफ से उसका लेना देना है, आपकी रूट्स, आपका जो बिहेवियर है वो आपकी रूट्स है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो यूनिवर्स हैविंग सीक्रेट्स फॉर यू, यूनिवर्स इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। और आखिरकार वो क्या है, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य, एक बहुत बड़ा राज, जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। नाउ वी हैव टू पाइल्स हियर, दो पाइल्स मैंने यहाँ पर रखे हुए। पाइल का मतलब होता है द ग्रुप। तो यहाँ पर पहला जो पाइल है वो है अंत और दूसरा वाला पाइल है आरंभ। तो आपने क्या करना है, एंडिंग्स या बिगनिंग्स, ये आप इस ऐसे भी ले सकते हो, या फर्स्ट या सेकेंड ऐसे भी ले सकते हो। अब कोई प्लीज़ ये ना कहे कि पाइल सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए, जब इंट्यूटिव रीडिंग होती है ना, तो उसको इंट्यूशंस के साथ ही पिक करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इंट्यूटिव पाइल सेगमेंट आप लोगों के सामने मौजूद है, आप इसे पिक कीजिए अपने इंट्यूशन, अपनी जो छठी इंद्रिय, आपकी जो थर्ड आई है, उसकी मदद से। या फिर आप आंख बंद करके जस्ट फील भी कर सकते हो कि अंत आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या आरंभ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि व्हाट इज़ द सीक्रेट, वो कौन सा वाला सीक्रेट है जो यूनिवर्स आपसे समहाउ छुपा रही है, और इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको पामिस्ट्री, द वैदिक, एस्ट्रो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, डेली रिचुअल्स और गाइडेंस के अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव सपोर्ट। सो यू गाइज कैन कनेक्ट विद मी विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। एंड देयर इज अ सेकेंड चैनल ऑफ माइंड जिसका नाम है प्रियंका द हीलर। उस चैनल के ऊपर आपको आगे आने वाले समय में मेडिटेशन के वीडियोज, रिचुअल्स के वीडियोज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोज एंड अफर्मेशंस के वीडियोज और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू रिकनेक्ट अगेन विथ दोज थिंग्स जहाँ से आप अपने आप को हील कर सकते हैं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को एंड लेट्स सी कि आखिरकार यूनिवर्स आपसे क्या छुपा रहा है, ये ब्रह्मांड आपसे आपके जीवन का कौन सा बड़ा रहस्य है जो छुपाने की कोशिश कर रहा है।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल, जिन लोगों ने भी अंत को पिक किया है ना, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। अंत को आपने पिक किया है, अंत अंत तो अनंत है। मैं इस चीज़ को ऐसे ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगी। आई होप मैंने हिंदी में सही लिखा है, अंत ऐसे ही लिखते हैं। अगर कहीं कुछ मैंने गलती करी है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। पता नहीं क्यों बस आया मेरे दिमाग में, मैंने लिख दिया। अब मुझे नहीं पता ये सही लिखा है गलत लिखा है, शायद सही है। गलत है तो आप सुधार दीजिएगा। और अंत को आप लोगों ने पिक किया है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने अंत पिक किया है तो आपकी एनर्जीज क्या है, या फिर आप लोगों का जो बिहेवियर पैटर्न है वो क्या है। मतलब आपके बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आपको ये यकीन दिला दे कि ये रीडिंग आप ही की है, या आपको ये अच्छे से बता दे कि ये रीडिंग भाई आपकी है भी या नहीं। ठीक है, क्योंकि हम इंट्यूटिवली पाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमसे कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा है, यानी मैच नहीं हो रहा है, और फिर हमें पता लगता है कि अरे ये रीडिंग तो हमारी कहीं ना कहीं है ही नहीं। तो इस तरीके से ना आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी दैट दिस रीडिंग एक्चुअली बिलोंग्स टू यू और नॉट। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर शफल करते दौरान निकला है हाई प्रिस्टेस का। तो मुझे यहाँ पर ऐसी ऊर्जा आ रही है, जो भी इस रीडिंग को अभी हाल फिलहाल देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। मतलब उनके अंदर विजडम कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन वो अगेन एक सीक्रेटिव पर्सनालिटी है। उनके अंदर अच्छा और बुरा दोनों ही एलिमेंट मौजूद है। वो अच्छों के साथ अच्छे और बुरों के साथ बहुत बुरे भी हो सकते हैं। उनके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, लेकिन झुकेंगे नहीं कभी भी। ठीक है, इमोशनल होने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान मूर्ख है, नहीं। अगर किसी ने अपने इमोशंस पर पॉजिटिवली काबू पा लिया है तो वो हाई प्रिस्टेस बन जाता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी किसी से झुकेगा नहीं और अपने इमोशंस का हलवा और फालूदा तो कभी नहीं बनवाएगा। एंड यू गाइज आर वेरी मच इंट्यूटिव, यू गाइज आर वेरी मच साइकिक बाय द बर्थ। ऐसा नहीं है कि जब आप जवान होने लगे या जब आप आगे एज आपकी बढ़ने लगी, आपने थपेड़े खाए, आपने परेशानियाँ झेली, तब जाकर आप समझदार और इंट्यूटिव हुए। आप पैदाइशी ही समझदार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लगता है कि भाई ये तो गर्भ से ही सीख कर आए हैं। सो यू गाइस आर ऑप्शन नंबर टू, कि कहीं ना कहीं आप गर्भ से ही चीज़ों को बहुत धारण करके आए हैं। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत कूट कूट के भरी हुई है, आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत कूट कूट के भरी हुई है। एंड आई एम लुकिंग एंड आई एम जस्ट फीलिंग दैट यू गाइज आर लुकिंग फॉर द ग्रेट सक्सेस। पाइल नंबर वन पीपल, आप लोग अपने जीवन में ना एक सफलता की ओर देखना चाहते हैं। आप कुछ कुछ सफल करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसको करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकें। ठीक है, एंड आपके जीवन में ना अभी हाल फिलहाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें चल रही हैं, प्लस और माइनस दोनों चल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप 100% खुश हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि आप 100% दुखी हैं। ऑल्दो आपके अंदर जो जज्बा है वो आपको आपकी लाइफ के अंदर फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा, बट फिर भी आप कुछ चीजों के अंदर ऐसे लगे हुए हैं, कुछ ऐसे जुगत के अंदर लगे हुए हैं जिन चीजों को करके आप आगे आने वाले समय में अपना सिक्का और अपना डंका बजवा सकते हैं। वाओ, वेरी क्रिस्प, वेरी वेरी क्रिस्प, बहुत ही क्रिस्प आंसर निकला है। नेक्स्ट है यहाँ पर द मैजिशियन। अब इस मैजिशियन के कार्ड को देखने की कोशिश कीजिए। दिस मैजिशियन इज गिविंग मी अ वेरी यू नो, एक जैसे होता है ना कि मैं सब करके दिखा दूंगी, वो वाली एनर्जी इस कार्ड को आप देख सकते हैं। एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर इंसान को ऐसा महसूस हो कि मैं सब कुछ करके दिखा सकती हूँ, मेरे आगे सारी चीज़ें बेवकूफ़ी हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है, यू गाइज हैव अ वेरी लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। आपके अंदर एक भर भर के जज्बा है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। आपके पास में इमोशंस भी है, आपके पास में पेंटिकल्स यानी पैसा भी है। ठीक है, या आपके पास ऐसा हुनर है कि आप पैसा भी कमा सकते हैं। सो आप किसी से कम नहीं है, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप किसी से कम नहीं है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या कैसे कब कहाँ कर सकते हैं। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना होता है, कैसे करना होता है। सो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ यू गाइज आर वेरी मैच्योर है आप लोग पाइल नंबर वन पीपल। अगर आप अपने आप को इमेच्योर समझते हैं या आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो मैं बोलूँगी
अंत पायल आपके लिए नहीं है, ठीक है। पायल नंबर वन अंत आपके लिए नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि अभी आपको सीखने की ज़रूरत है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन माय फेवरेट कार्ड। सो मैं सच बताऊँ तो ये सारे के सारे मेरे फेवरेट कार्ड हैं। यहाँ पर दो मेजर अरकानाज हैं और ये एक माइनर आया है, लेकिन माइनर के अंदर भी वो क्वीन है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, बट आप हर चीज़ में निपुण हैं। और हर चीज़ के अंदर निपुण होने का मतलब हो गया कि आप अपने आप को पूर्ण करते हैं। आपको अपने आप को कंप्लीशन में महसूस कराने के लिए किसी एक्स वाई जेड इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ही इतने काबिल हैं, इतने सक्षम हैं कि आप अगर अपने लिए स्टैंड ले लें। मुझे ऐसे भी फीलिंग आ रही है दैट देर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द पाइल नंबर वन जिन्होंने अपने ट्रू पोटेंशियल को कभी समझा ही नहीं, जिन्होंने अपने ट्रू पोटेंशियल को कभी जाना ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप अपने ट्रू पोटेंशियल को जान जाएं, अगर आप अपने लिए स्टैंड ले लें, आप हमेशा लोगों के लिए काम करते रहते हैं लेकिन अगर आप अपने लिए स्टैंड ले लेना तो आप इस धरती में छेद कर दें, आसमान को हिला के रख दें, आपके अंदर वो काबिलियत है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट सबमर्जिंग एवरीथिंग, हर चीज़, मतलब दरिया समाया हुआ है आपके अंदर, आप देख सकते हो। एंड अगर हम बात करें समुद्र की तो समुद्र सबसे रहस्यमयी और सबसे ताकतवर चीज़ है इस पूरे के पूरे प्लैनेट पे, ठीक है। बिकॉज वी आर लाइक 70% यू नो सराउंडेड बाय द वाटर। वो चीज़ें मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। और हम अभी तक 30% भी जो है समुद्र का खंगाल नहीं पाए हैं, तो आप समझ सकते हो कि समुद्र कितना खतरनाक हो सकता है और उसमें क्या क्या समाया हो सकता है। तो उसकी मैं आपसे कंपैरिजन कर रही हूँ पाइल नंबर वन पीपल, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे वो साइकिक एनर्जीज हो, चाहे फिर वो प्यार हो, चाहे फिर वो समर्पण हो। यू गाइज आर हैविंग सो मच। जितना आप पोटेंशियल फील नहीं कर सकते हो उतना पोटेंशियल आपके अंदर है, ठीक है। एनीवेज, तो ये तो बात हो गई है आपके बिहेवियरल पैटर्न की, आपकी एनर्जीज की और वॉट एवर द करंटली यू आर गोइंग थ्रू विद उसकी। तो अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं पाइल नंबर वन पीपल दैट दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू और नॉट, ये रीडिंग आप ही की है या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपसे मैच हुई हैं और ये रीडिंग आप ही की है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं देखना। अदरवाइज आई मस्ट से आपको आरंभ को एक बारी पिक करना चाहिए, हो सकता है कि वो रीडिंग आपकी हो। नाउ लेट्स सी What universe is hiding you? Like क्या ये ब्रह्मांड आपसे छुपा रहा है और आपके जीवन का एक बड़ा रहस्य, आपके जीवन का एक बड़ा रहस्य क्या है? जिन्होंने भी अंत को पिक किया है, अंत, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कुछ बड़ा आएगा, मतलब कुछ छोटा मोटा नहीं है, कुछ ऐसा है जो महसूस नहीं किया गया बट वो है बहुत बड़ा। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, कुछ ऐसा जिसकी रूट्स बहुत स्ट्रांग है, कुछ ऐसा जिसके पैटर्न्स बहुत बड़े हैं, लाइक ऑक्टोपस, जेलीफिश, द ईल। पता नहीं क्यों मुझे वाटर 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 की एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, या हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल आपकी जो एनर्जीज हैं वो वॉटरी हो रखी हैं, लाइक यू आर फ्लोइंग। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, ठीक है। जज्बा और हुनर, मुझे फीलिंग आ रही है कि जज्बा और हुनर दोनों है आपके अंदर पाइल नंबर वन द अंत पीपल। जज्बा और हुनर बोथ आर देयर। जैसे वो नहीं बोलते हैं हम कुछ लोगों के लिए ब्यूटी विद द ब्रेन, होने को तो कहावत होती है दैट ब्यूटी विदाउट द ब्रेन, बट आप लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ब्यूटी विद ब्रेन है। आप खूबसूरत भी हैं इन एंड आउट और आप समझदार भी हैं। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ 27, द ग्रामोफोन आई गेस। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइएगा कमेंट में, किसी को पता है तो। द ग्रैंड सिम्फनी एंड द टेंडर एम्ब्रेस, कार्ड नंबर 27 और 22। आप में से कुछ लोगों का
डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 27 या 22, या फिर आप लोगों में से कुछ लोगों का जो है क्या बोलते हैं उसे, भाग्यांक का जो जोड़ है वो 27 या 22 हो सकता है. वी हैव अ नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन द नाइट ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ एंड जस्टिस. वाओ, दिस इज अगेन अमेजिंग. और मैंने बोला ही था कुछ बढ़ा रहा है. यहाँ पर है द इंटेलेक्ट, द डेविल एंड इंडस्ट्री. अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाली हूँ ना, वो हो सकता है कुछ लोगों के गले उतरे, कुछ लोगों के ना उतरे, बट दिस इज ट्रू. और जो कहते हैं ना कि मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ या मैं उस चीज़ के लिए बना हूँ, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रही है. पाइल नंबर वन पीपल, सबसे पहली चीज़ तो ये, आपको परमात्मा ने इस धरती पर क्यों भेजा है? आपको परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है ताकि आप खुद की सबसे पहले मदद कर सकें, काबिल बन सकें, और फिर आप लोगों की मदद कर सकें. आपको परमात्मा ने इसलिए भेजा है, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर जो बताना चाहती थी. दूसरी चीज, परमात्मा आपसे एक चीज छुपा रहे हैं. यूनिवर्स इज हाइडिंग वन थिंग फ्रॉम यू, दिस ब्रह्मांड इज हाइडिंग वन थिंग फ्रॉम यू. और वो चीज़ क्यों हाइड की जा रही है, उसका भी आंसर है मेरे पास, क्योंकि कांच में बहुत ही क्लियर है. आप एक ऐसे इंसान है ना, जो जिसके ऊपर अगर अच्छे से लगाम नहीं कसी जाए, तो आप एक हाइप्रस्टिक गॉड भी बन सकते हैं, या अगर आपके ऊपर लगाम ना लगाई जाए तो आप डेविल भी बन सकते हैं, ठीक है. यू हैव द बोथ एसेंस, वी हैव अ कार्ड ऑफ डेविल एंड स्ट्रेंथ, दोनों एसेंस है आपके अंदर, ठीक है. आप इस चीज को समझिएगा बहुत क्लियर तरीके से. आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो ताकत है. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी ये बात कि आप जो है ना, इस ज़मीन में छेद और आसमान में उथल पुथल मचा सकते हैं. आपके अंदर वो एनर्जी है, और अगर उस एनर्जी को काबू नहीं किया जाए, उस एनर्जी के ऊपर काबू नहीं पाया जाए, तो समहाउ ऐसा हो सकता है कि आप आउट हो जाएं, ठीक है. आप या तो किसी के लिए एक बहुत ही बड़े गॉड बन जाएं, या किसी के लिए एक बहुत ही बड़े विलन या डेविल बन जाएं. अब यहाँ पर बात आती है किस चीज़ की, यहाँ पर बात आती है कि वट यूनिवर्स इज हाइडिंग फ्रॉम यू. सबसे पहली बात तो ये कि आपका इनर पोटेंशियल आपको बांध के रखा हुआ है, जिम्मेदारियों में, परेशानियों में, बहुत सारी चीज़ों के अंदर. तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ना कि आप लोग एक्चुअली में देखा जाए शक्तिमान है, तो उसके अंदर कोई मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई दो राय होगी, बिकॉज यू हैव दोज एनर्जीज. आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो एक सुपर हीरो कर सकता है. नाउ इट्स समथिंग लाइक जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि लोगों को हजम ना हो, ठीक है. मैं यहाँ पर ऐसा फील कर रही हूँ कि आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं जिससे आप आगे आने वाला फ्यूचर देख सकते हैं, ठीक है. दूरदर्शी जिसे हम बोलते हैं वो हो सकते हैं. आप किसी के लिए परमात्मा, तो किसी के लिए डेविल यानी कि राक्षस बन सकते हैं. आप अगर कुछ अपने, अगर आप अपने अस्तित्व में आ जाए ना, तो आप जो बोले ना वो सत्य हो सकता है, ठीक है. अगर आप अपने अस्तित्व में आ जाए तो आप वो कर सकते हैं जो लोग नहीं करते हैं. क्या? लोगों के लिए कुछ करना. आप लोग को है ना, आगे आने वाले समय में चल करके जस्टिस का कार्ड है, उन लोगों को जस्टिस दिलाएंगे जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है. मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है पाइल नंबर वन पीपल, आप लोगों ने ना समहाउ अपने जीवन में अन्याय बहुत सहा है, अन्याय देखा है, ठीक है. तो इन फ्यूचर आपकी चाहे जो भी एज है, आई डोंट नो आप कौन से एज ग्रुप के हैं, आप कौन सी एज में देख रहे हैं इस रीडिंग को, आई एम सीइंग कि एक समय ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब आप उन लोगों के लिए लड़ेंगे, उन लोगों के लिए काम करेंगे जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, वो औरतें भी हो सकती हैं, वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि वृद्ध हैं, जिनके भी साथ अन्याय हुआ है या जिनके भी साथ अन्याय होता है, आप उनके लिए लड़ेंगे. जस्टिस का कार्ड है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे और उनके लिए काम करेंगे, ठीक है. अब ये अन्याय किसी के ऊपर भी हो सकता है, एनिमल्स के ऊपर भी हो सकता है, किसी ह्यूमन के ऊपर भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स. तो आप कुछ ऐसा बड़ा करेंगे आने वाले समय में
जिससे आपका उद्धार होगा. एंड टुडे यूनिवर्स और डिवाइन इज एक्चुअली वांट कि आप इस सत्य को समझ सकें, इसलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं. क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्ब्रेस का कार्ड है, यानी कि ये परमात्मा है और ये आप हैं. कहीं ना कहीं परमात्मा आपको एम्ब्रेस करना चाहते हैं, परमात्मा आपको और बढ़ा देना चाहते हैं. आपकी ताकतों को जो बांध के रखा गया, आपके ट्रू पोटेंशियल को जो बांध के रखा गया, वो ऐसा इसलिए हुआ ताकि आप किसी गलत रास्ते पे ना चले जाएं विदाउट एनी एक्सपीरियंस. क्या होता है ना कि जब तक इंसान के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है ना पाइल नंबर वन पीपल, तब तक वो सिर्फ भटक रहा होता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाता कि आप यू नो आप एक नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, या आप कुछ लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाते, ऐसा वेपन या ऐसा टूल बन जाते. सो परमात्मा ने समहाउ आपको बचाया है, परमात्मा ने आपसे आपके ट्रू पोटेंशियल को कहीं ना कहीं छुपा के रखा है. ठीक है, क्योंकि परमात्मा कहीं ना कहीं चाहते हैं, ब्रह्मांड कहीं ना कहीं चाहता है कि एक समय ऐसा आए जब आप उस चीज़ को सीखें, समझें और फिर आपको इस चीज़ का यकीन दिलाया जाए कि आपके अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है. ठीक है, ताकि आप फिर उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें आगे आने वाले समय में. नाउ वी हैव अ एडवाइस ऑफ धर्मा हेयर, धर्म की एडवाइस है यहाँ पर, और दूसरा माँ पार्वती की एडवाइस है यहाँ पर, और तीसरा कार्ड है यहाँ पर द रजस. अब ये चीज सोचने वाली है माँ पार्वती. देखा जाए जैसे ही माँ गौरा का हमारे आंखों के आगे या हमारे जहन में ख्याल आता है, तो हम इस एनर्जी में आ जाते हैं कि उनके जितना सौम्य है ना सद्भावना वाला तत्व कोई नहीं हो सकता. वो अपने आप में बहुत ही सौम्य, सरल, भोली, नाम ही गौरा है उनका, है ना. तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भोली है ना, बहुत ही ज़्यादा भोली. लेकिन माँ पार्वती का एक और हिस्सा है माँ काली, है ना, माँ महाकाली. तो आप इस एनर्जी को ना भूलें कि आप क्या हैं, लेकिन आपके अंदर क्या छुपा हुआ है. इस चीज़ से माँ पार्वती से इंस्पिरेशन ले सकते हैं आप माँ काली की, माँ पार्वती ने माँ काली का रूप क्यों लिया था, किस कंडीशन में लिया था, आप उस कथा को ज़रूर सुनिएगा, आपके लिए कोई गाइडेंस ज़रूर होगा. आप यूट्यूब पे चेक कर लेना, देर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज़ अबाउट दिस. और दूसरा है अपने रजस गुणों को त्याग दें. ठीक है, अपने रजस गुणों को त्यागें. रजस गुण कौन सा होता है, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं. ठीक है, अपने कुछ बन जाने का, कुछ कर जाने का घमंड है. सो रजस गुणों का त्यागें एंड धर्मपरायण व्यक्ति बनने की कोशिश करें. चाहे आप एक लड़की हैं, चाहे आप लड़के हैं, चाहे आपकी उम्र 18 है, 20 है, 30 है, 50 है, 60 है, इट डजंट मैटर. द थिंग विच मैटर इज कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है, आपका ट्रू साइड क्या है, और उसको कैसे आपने लेकर आना है अस्तित्व में. ठीक है, नाउ लेट्स सी एडवाइसेस फ्रॉम हियर टू ट्रुथ. सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ. अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ. यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको कह दिया कि आप अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को और अपने सच को पहचानिए और अपने सच के साथ आगे बढ़िए. क्योंकि आपका सच क्या है, आपका सच है लोगों को जस्टिस दिलाना, इस चीज़ को याद रखिएगा. तो अगर आपने अंत पिक किया था ना, तो मैंने पहले बोला था कि अंत तो असली आरंभ होता है. सो अंत इज हेयर, दैट मीन्स कुछ शुरुआत आपकी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन को लॉजिकली आगे जी पाएंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे और फिर दोबारा जन्म लेंगे इस धरती पर, इस डायमेंशन में, इसी चीज़ को दोबारा से करने के लिए. तो बात है छोटी, लेकिन उसका मीनिंग है बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा विकट. ठीक है, तो इस चीज़ को समझें, आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई है. और इससे रिलेटेड, आज की रीडिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, क्योंकि मुझे पता है हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो उसका आंसर ज़रूर कर सकते हैं. इट विल बी फॉर श्योर आंसर्ड बाई मी एट एनी कॉस्ट. ठीक है, तो आप लोग अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं. अपने आप से खूब सारा प्यार करें, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन. हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल. आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है. आपने आरंभ को पिक किया है, आरंभ दैट मीन्स द बिगनिंग. तो अगर आपने शुरुआत को पिक किया है, आपने आरंभ को पिक किया है, तो ये रीडिंग आपकी है. और ये रीडिंग सच में आपकी है या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पीपल यूज टू पिक रॉन्ग पाइल
वो अपने इंट्यूशंस का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और वो रॉन्ग पायल सिलेक्शन में आ जाते हैं. तो फॉर दोज पीपल मैं यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज और आपके व्यक्तित्व या आपके बारे में कुछ आपको बताऊंगी, जिससे आपको ये चीज़ 100% हो जाएगी, आपको अच्छे से पुष्टि हो जाएगी कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं. ठीक है, आइए देखते हैं. Is hiding something from you. ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, आपसे कुछ छुपा रहा है. उसके अंदर आप ही का कोई भला हो सकता है. ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा या अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं है. बट कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, कुछ ऐसा है जिससे आप अनभिज्ञ हैं, आपको नहीं पता है आपके बारे में, उस चीज़ के बारे में, उस वे के बारे में. और अब कहीं ना कहीं ब्रह्मांड चाहता है कि आप इस सत्य को जानें. एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर इन द स्पिरिचुअलिटी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी नए नए अध्यात्म से जुड़े हैं, नए नए अकल्ट से जुड़े हैं, नया नया टैरो देखने लगे हैं, या फिर नई नई हीलिंग्स, प्रेयर्स, इन सब में विश्वास रखने लगे. तो मैं बोलूँगी यू आर लर्निंग, यू आर इन अ लर्निंग फेज. एक्चुअली देखा जाए तो हर इंसान एक लर्निंग फेज में ही होता है. हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, है ना. बट अभी हाल फिलहाल आपको ना अपने आसपास की हर चीज को गौर देने की जरूरत है. ठीक है, स्पिरिट्स एक कार्ड दीजिए प्लीज. Six of Wands. तो मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उसके अंदर पैशन की तो कोई कमी नहीं है. पैशन का मतलब हो गया ऊर्जा. ठीक है, ऊर्जा वाले लोग हैं आप. आपके अंदर इतना पैशन मौजूद है, आपके अंदर इतना पैशन भरा हुआ है, इतनी हिम्मत भरी हुई है कि आपको कहीं पर भी खड़ा कर दो, आप अपनी अहमियत, अपनी इम्पोर्टेंस तो बना ही लेंगे. ठीक है, आप उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर महसूस हो रहे हैं. दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ विद द कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्यार करते हैं, जिन्हें मोहब्बत है शक्ति से, जिन्हें मोहब्बत है, जिन्हें बहुत प्रेम है किस चीज़ से, ताकत से, शक्ति से, जीत से, जिन्हें जीतने की आदत है, जो जीतना एक्चुअली चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वेरी विक्टोरियस पर्सन, वेरी इनरिच्ड पर्सन है आप. ठीक है, पाइल नंबर टू पीपल, वेरी इनरिच्ड पर्सन, मतलब एक अलग ही तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, एक अलग ही तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए महसूस कर पा रही हूँ. और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. अगेन फोर ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और, वन मोर कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स. हे भगवान जी, और बॉटम ऑफ द डेक है द टू ऑफ पेंटिकल्स. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी वॉन्ड्स है, यहाँ पे भी वॉन्ड्स है, यहाँ पे भी वॉन्ड्स है. तो आप एक ऐसे इंसान है जो फैमिली को साथ में लेके चलना पसंद करते हैं. आपके मन में किसी के लिए कोई द्वेष या कोई भेदभाव नहीं है. आप प्यार की भाषा को बहुत अच्छे से समझते हैं. कोई अगर आपसे तहस में आके या घमंड में आके कोई काम कराने की कोशिश करें तो आप कभी नहीं करेंगे. लेकिन अगर आपसे कोई प्यार से, आपका कोई दुश्मन भी आपसे प्यार से कोई काम कराने की कोशिश करेगा तो आप तुरंत से कर देंगे. मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है यहाँ पे फॉर द पाइल नंबर टू पीपल, आप लोगों के दुश्मन बहुत हैं. मतलब आप लोगों के ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं आसपास जो आपसे या तो जलते हैं, या फिर आपकी तरक्की से, या आपके बिहेवियर से, या आपके एटीट्यूड से, या फिर आपके करिश्मा से जलते हैं. देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. ठीक है, आपके अपोजिट और आपके सिमिलर जेंडर वाले सारे लोग, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि सम हाउ आपसे ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं. यू गाइज गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड प्रपोजल्स इन योर लाइफ.
एंड आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित रहते हैं। आप बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसको करके आप अपने आप को महसूस करा सकें कि आप अभी तक सही सलामत हैं। जब तक आप कुछ नया ना कर लें, जब तक आप कोई ऐसा कोई काम ना कर लें जिसको करके आपको शांति और स्टेबिलिटी ना फील हो, तब तक आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में लगे रहते हैं, ठीक है। ऑल्दो आप चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपके अंदर समझदारी बहुत है। आप एक न्यू एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, कुछ नया नयापन है आपके अंदर, कुछ नया आप क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसको देख करके जिसको करके आपके घर वालों को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान हो, प्राउड हो, ठीक है, घमंड हो। ओके, एनीवेज, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज योर एनर्जी, आप लोगों की एनर्जीज के बारे में यहाँ पे बात हो गई है। अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अब आपको कहीं ना कहीं पता लग गया होगा पाइल नंबर टू पीपल दैट आरंभ इज योर रीडिंग, योर पाइल और नॉट, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो प्लीज एक बार आप अंत को पिक करके देखिए, ठीक है जी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। क्या है जो आपसे परमात्मा ने छुपाया है? एंड आप फाइनली वो इस राज के ऊपर से पर्दा हटा देना चाहते हैं। लेट्स सी, सो वी आर हैविंग फोर कार्ड्स हियर। बॉटम ऑफ द डेक इट्स फूल का कार्ड, कार्ड नंबर जीरो। यहां से भी कुछ कार्ड लेंगे। लेना मैं दो कार्ड चाहती थी बट मैंने चलो तीन ले लिए। नाउ लेट्स सी क्या आता है आप लोगों के लिए। यहां पर है द सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द क्वीन ऑफ कप्स एंड द एट ऑफ वॉन्ड्स। नाइस, क्या बात है। यहां पर है आपके लिए इनटू मी आई सी, सीइंग बियॉन्ड एन अर्थ मैजिक। वेरी गुड, कार्ड नंबर 8, 36 और 1। आप ऐसे कुछ लोगों का मूलांक 1, 8 या फिर 9 हो सकता है, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों का भाग्यांक का जोड़ 8, 81, 36 और 63 भी हो सकता है, ठीक है। ओके, आप ऐसे बहुत सारे लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। ज्यादा एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी या फिर जो जोडियक मैंने अभी आपको बताए उन एनर्जीज में आप बहुत ज्यादा अभी चल रही हैं। नाउ लेट मी हैव सम एनर्जीज, क्योंकि मुझे ना कुछ दो चीजें मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। मे बी बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। तो सबसे पहली चीज, यूनिवर्स इज एक्चुअली नॉट हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपसे कुछ छुपा नहीं रहा है। पाइल नंबर टू पीपल, ये मैं कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, सबके लिए नहीं है जिन्होंने पाइल नंबर टू को पिक किया है। यूनिवर्स आपसे कुछ छुपा नहीं रहा है, इनफैक्ट यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है अभी, ठीक है। और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेवन ऑफ कप्स, आपके जीवन में ना आपने जितना सोचा है इससे भी अधिक है, चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे फिर वो प्यार हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो सकती है, एनी अदर थिंग। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो जितना आप सोच नहीं सकते ना उससे कई गुना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों को ना देख नहीं पा रहे हैं, और ये चीज़ परमात्मा ने कहीं ना कहीं छुपाई नहीं है आपसे, आपको कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। पहली चीज़ मैं यहाँ पर ये फील कर रही हूँ। सेकेंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है द
डिवाइन इज हाइडिंग फ्रॉम यू अ वेरी बिग थिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट यू गाइज आर नॉट बिलोंगिंग टूवर्ड्स दिस डायमेंशन. आप लोग इस डायमेंशन से बिलोंग नहीं करते हैं. आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ना एक सब कुछ होने के बावजूद भी एक अलग ही एनर्जी फील होती है, जिनको एक अलग ही अजीब सा पन महसूस होता है कि यहाँ से चले जाएं, पता नहीं क्या जीवन जी रहे हैं, कुछ अच्छा सा नहीं है, लाइफ बहुत अजीब सी है, कुछ है जो मैं ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल नहीं रहा है, कुछ ऐसा है जो मैं अपने जीवन में चाहती हूँ या चाहता हूँ बट वो चीज़ मुझसे हो नहीं पा रही है, मुझे मिल नहीं पा रही. सो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ जाइए यू गाइज आर नॉट फ्रॉम दिस डायमेंशन. आप इस डायमेंशन में हैं ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सकें. पाइल नंबर टू, पीपल, यू गाइज आर हियर इन दिस डायमेंशन टू प्रूव समथिंग. जैसे होता है ना कि आप किसी दूसरे डायमेंशन में थे. डायमेंशन का मतलब पहले मैं बता देती हूँ, जैसे हमारी एक अर्थ है ना, इसे हम एक रिलिम बोलते हैं. देर आर सेवन रिलिम्स. रिलिम्स का मतलब हो गया आप ऐसे ले लो लेवल्स हैं, ठीक है, ये एक तरीके से गेम की तरह है, लेवल्स हैं. तो हम जिस अर्थ डायमेंशन में रह रही हैं वो सबसे लीस्ट रिलिम है, ठीक है. उसके बाद में परियों का देश आता है, फिर उसके बाद में एंसेस्टर्स की एनर्जी होती है, फिर गुरु लोग रहते हैं, फिर ब्रह्म लोग रहते हैं, फिर परमात्मा का वास है, फिर परम शक्ति परम धाम का वास है. तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट रिलिम हैं इस पूरे सृष्टि के अंदर, ठीक है. तो आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि जिस मिल्की वे गैलेक्सी का हम लोग चित्र बनाते हैं, हम देखते हैं ऐसा ऐसा है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, एग्जैक्टली हम मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर कभी गए नहीं, हमें पता ही नहीं कि वो दिखता कैसा है, बट वी आर यू नो जस्ट सजेस्टिंग सम थिंग्स. हमने कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली है ना, और वो हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि हमको थोड़ा पता रह सके कि ये चीज़ है, टू डिनोट समथिंग. तो हम कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे डिफरेंट रिलिम्स हैं. देर आर सेवन रिलिम्स ऑन दिस होल यूनिवर्स, ठीक है. और हर रिलिम के ना अपने बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम जो सबसे लीस्ट रिलिम में रह रहे हैं, इस रिलिम के अंदर आपको क्या लगता है, सिर्फ ये एक अर्थ है? एक अर्थ नहीं है, बहुत सारी और अर्थ हैं, बहुत सारे और ब्रह्म हैं, बहुत सारे और विष्णु हैं, बहुत सारे और शंकर हैं, ठीक है. सो देर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस, देर आर लॉट्स ऑफ एनर्जीज, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. अब क्या होता है कि जब आपने पास्ट में कहीं पर किसी प्लेस पर किसी डायमेंशन में जन्म लिया, यू डिड समथिंग रॉन्ग, या फिर आपने कुछ ऐसा बोला या कुछ ऐसे वाउस क्रिएट करे. वाउस का मतलब हो गया कुछ ऐसा कहना या कुछ ऐसा बोलना जो कि अब आकाशा में लिख दिया गया. आकाशा, अगर आपको नहीं पता है तो आकाशा इज अ बिग बुक जिसके अंदर आपका हर कर्म का बायोडाटा, आपका हर कर्म वहाँ पर लिखा जाता है. चाहे आप कुछ बोलते हैं, चाहे आप अपने हाथों से कुछ करते हैं, चाहे आप किसी की बुराई करते हैं, Everything is noted down in that आकाशक book. और उस आकाशा के अंदर जब आपने कुछ 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 बोला तो वो कहीं ना कहीं फीड हुआ और आकाशा में जो लिख दिया जाता है वो होता जरूर है, चाहे इस जन्म में चाहे उस जन्म में. तो आपको एज अ पनिशमेंट और एज टू प्रूव योर सेल्फ आपको इस रिलिम में डाला गया, इस डायमेंशन में डाला गया. और आप जब अब इस रिलिम के अंदर हो तो आपको ये चीज सम हाउ माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर टू पीपल बताई जा रही है दैट इट इज द हाई पीक टाइम फॉर यू टू प्रूव योर सेल्फ, ठीक है. अब आप अपने आप को प्रूव कैसे कर सकते हो? टू बिकम द मोर स्टेबल पर्सन इन दिस प्लैनेट, और टू बिकम अ मोर स्टेबल पर्सन ताकि आप लोगों की मदद कर सको. दे कैन बी एनिमल्स, दे कैन बी द प्लांट्स और द ग्रीनरी और द पीपल, वुमेन्स हों, चाहे फिर वो बच्चे हों, चाहे फिर वो वृद्ध हों. सो ये जो चीज़ है ना, परमात्मा कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी टाइम से छुपा रहे हैं. यूनिवर्स इज हाइडिंग दिस फ्रॉम यू. बट अभी हाल फिलहाल की जो एनर्जी है दैट परमात्मा सम हाउ आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं ताकि आप उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करें. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इट इज़ एक्चुअली रेजोनेटिंग विद योर एनर्जीज, विद योर पर्सनैलिटी, विद योर सफरिंग्स, तो इस चीज़ को घोल के ना पी जाइए कि आपका जो जन्म है इस धरती पर, इस रिलिम में, इस डायमेंशन में ओनली इसलिए है ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सकें, ठीक है. क्योंकि कुछ ऐसे कमिटमेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप परमात्मा से करके आए हैं एंड फाइनली आप यहाँ पर आकर के यहाँ के गोल पेचों में भूल गए हैं, तो उस चीज़ को समझ के आपको कुछ करने की ज़रूरत है. आप अभी है ना बियॉन्ड नहीं देख पा रहे हैं. आई नो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो इस चीज़ को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनके ऊपर से जा रहा होगा, बट
जिन लोगों के लिए आज की वीडियो है वो इस चीज़ को बियॉन्ड देख पाएंगे, ठीक है, वो अपने अंदर देख पाएंगे, इनटू मी आई सी, आप अपने अंदर देख पाएंगे और वो इस अर्थ की एनर्जी से इतना स्ट्रांगली कनेक्ट हो पाएंगे दैट दे कैन अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन का क्या सिद्धांत है, क्या उनके जीवन की एनर्जी है, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे. सो इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर समथिंग विच इज़ एक्चुअली टोटली जिसका कोई क्लू नहीं है, यूजलेस है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा नहीं है. आपको परमात्मा ने यहाँ इस डायमेंशन में भेजा है टू प्रूव योर सेल्फ कि हाँ अब करके बताओ, ठीक है. तो करके बताना पड़ेगा, नहीं करके बताओगे तो यहीं घूमते रहोगे अंत तक, जब तक इस सृष्टि का अंत ना हो, और सृष्टि का अंत में अभी बहुत टाइम है क्योंकि कलयुग का तो अभी सिर्फ और सिर्फ दूसरा ही चरण चल रहा है, ठीक है. तो यू आर हेयर टू प्रूव योर सेल्फ. अगर आपने अपने आप को प्रूव नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं खोके रह जाएंगे. इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा. और खुद को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने आप को ऐसा बनाने की ज़रूरत है, ऐसा स्टेबल बनाने की ज़रूरत है कि आप लोगों के जीवन में उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकें, ठीक है. नाउ हियर वी हैव अ कार्ड ऑफ द लॉ, द अब्यूज रिलेशनशिप्स एंड द पीस मेकर. तो अगर आप ऐसे लोगों के जीवन में किसी प्रकार की कोई उनकी लाइफस्टाइल के अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं, जिन्होंने अब्यूज रिलेशनशिप देखे हैं, जिन्होंने बहुत परेशानियां देखी, अगर आप उनके जीवन में पीस मेकर का काम कर सकते हैं, पीस मेकर का कार्ड है, यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा, अगर आप उनके जीवन में पीस मेकर का काम कर सकते हैं एक स्ट्रांग मेडिटेटर के रूप में, एक स्ट्रांग पैसिफिक हीलर के रूप में अगर आप काम कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा होगा. ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग हीलर्स हैं यहाँ पर, आप में से कुछ लोग यहाँ पर मास्टर्स हैं, कुछ लोग यहाँ पर अकल्ट के अंदर हैं, ठीक है. नहीं है तो हो सकता है हो जाए, और ज़रूरी नहीं है अकल्ट में आना ज़रूरी है लोगों को हील करने के लिए, ये ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई प्रावधान नहीं है ऐसा. इट्स ऑल अबाउट आपकी एनर्जीज. तो अगर आप उनके जीवन में जस्टिस लेकर आ पाते हो, अगर आप उनके जीवन में न्याय लेकर आ पाते हो तो आप अपने आप को प्रूफ कर पाओगे. तो खुद को प्रूफ करना आपका सबसे बड़ा मिशन है. सबसे पहले आप अपने जीवन के अपने आप की एनर्जी को वेलफेयर कीजिए, तब जाके आप इस सतत्व को समझ पाएंगे और आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, ठीक है. ये अब्यूजिव रिलेशनशिप में एनिमल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आदमी इतने मूर्ख हो गए हैं आजकल, लोग जानवरों के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं अपने स्वार्थ के लिए. तो एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर लोग हो सकते हैं, स्वयं मनुष्य हो सकते हैं. तो अहिंसा के मार्ग पर चल करके अगर आप अपने सतत्व को समझ पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं इस आज की इस रीडिंग की ना इम्पोर्टेंस को फील कर पाएंगे. आई नो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको नहीं समझ आएगा, बट आई एम डेफिनेटली डैम श्योर जिसके लिए वीडियो उस तक जाएगा जरूर. एडवाइजेज हेयर इज सक्सेस यू विल अचीव. दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू फील कि मैं तो यूजलेस हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ तो ऐसी है, मेरा तो वैसा है, क्योंकि आपको परमात्मा ने यहाँ भेजा है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, ठीक है. तो अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ, अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है. अब वो आप कैसे करोगे वो आपकी हेडेक है, ठीक है. आप कैसे अपने आप को प्रूफ कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट आपको अपने आप को प्रूफ करना है, इट्स इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवाइसेस फ्रॉम द स्टार सीड फॉर यू. ऑब्जर्वेशन, एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ. अगर अभी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से अपना गोल नहीं समझ आया है तो आपको बोला जा रहा है अपने कॉन्शियसनेस को जगाने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा इस डिवाइन मैट्रिक्स को समझने की कोशिश कीजिए. यू विल गेट टू नो द डिटेल्स ऑफ दिस रीडिंग. ओके, सो जिन्होंने भी आरंभ को पिक किया था, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल. आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स टू स्पेसिफिकली जनरेट कि आप कौन हैं और आप इस दुनिया में क्यों हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है. सो जिन्होंने भी आरंभ को पिक किया था ना, ये रीडिंग उनकी थी. किसी भी प्रकार का कोई सवाल है आपके जहन में रिलेटेड टू दिस रीडिंग, क्योंकि मुझे पता है होने वाला है बिकॉज टॉपिक ही बहुत खतरनाक है, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में. मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवाल का रिप्लाई करने की. एंड किसी भी तरीके के पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें. इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करना ना भूलें. आपको वहाँ पर पामिस्ट्री से रिलेटेड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड द एनर्जीज और द बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड रेमेडीज और बहुत कुछ मिल सकता है. सो गो अहेड एंड फॉलो मी देयर फॉर श्योर फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार.